गंगा के जलस्तर बढ़ने से जहां एक तरफ लोग अपना सब कुछ डूब जाने के डर से खौफजदा होते हैं, वहीं गंगा के जलस्तर में कमी होने पर भी उनका खौफ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। कारण, गंगा के जलस्तर में कमी होने पर गंगा का कटान शुरू हो जाता है, जिसका नज़ारा इन दिनों गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव में देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले एक सप्ताह से लगातार किसानों का खेत कटकर गंगा में समाहित हो रहा है और जिला प्रशासन सिर्फ आंकड़ेबाजी करने और बयानबाजी करने का काम कर रहा है। बताते चले कि गंगा के तटवर्ती भावरकोट ब्लॉक की ग्राम पंचायत शेरपुर के परिया बिसवा के पास कटान होने से लोगों में दहशत व्याप्त है। हालांकि शासन की ओर से कटान स्थल से पश्चिम जल स्तर के गति को मोड़ने के लिए करीब 12 से अधिक कटर का निर्माण भी कराया गया है। शेरपुर के परिया बिसवा के पास कटान होने से करीब 4 मंडा कृषि भूमि गंगा की धारा में समाहित हो चुका है। गंगा के कटान से हो रहे बर्बादी को देखते हुए शासन की ओर से सेमरा गांव के पश्चिम सिरा से शिव राय का पूरा होते परिया राम तुलाई तक बोल्डर पिचिंग का निर्माण कराया गया है। कटान रोकने के लिए कराए गए बोल्डर पिचिंग व जियो बैग पिचिंग को भी नुकसान होने का अंदेशा अब बनने लगा है। अगर कटान का क्रम बना रहा तो आने वाले समय में शहीदों का गांव शेरपुर के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। मैडम, एक तरफ जहाँ मोटे अनाजों की बात के किया जा रहा है किसानों की बढ़ोतरी के लिए, लेकिन मोहम्मदाबाद इलाके में जो पानी, गंगा का पानी जो घट रहा है, उसके वजह से लगातार पिछले कई दिनों से कटान भी जारी है, आखिर किसानों को कैसा हो पाएगा? देखिए, जहाँ जहाँ पर कटान हो रहा है वहाँ पे कई कटान निरोधक कार्य किए गए हैं सिंचाई विभाग द्वारा, और जहाँ पर शेरपुर गाँव ज्यादा प्रभावित है वहाँ के कुछ इलाके बचे हुए हैं जहाँ पे कटान निरोधक कार्य होना है, उसका प्रस्ताव बना के हमने शासन को भेजा है। तो खेती में जो जमीन प्रभावित हुई है उसमें वहां पर बाजरे की खेती नहीं हो रही है, जहां बाजरे की खेती हो रही है वहां पर ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगी कि बाजरे की खेती भी जहां जहां हो रही, करंडा, मोहम्मदाबाद में और भी क्षेत्र में, उसके निःशुल्क बीज प्राप्त करें और खेती बढ़ाएं।